आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नज़र आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। सहरसा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, छापेमारी के दौरान 9 शातिर अपराधी हथियारों सहित गिरफ्तार। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। सहरसा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 9 अपराधी हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार। सहरसा पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती स्थित एक लॉज नुमा मकाम पर बुधवार की दोपहर भारी संख्या में पुलिस बल द्वारा छापेमारी किया गया, जिसमें हथियार, गोली सहित तलवार, फरसा, खुकरी सहित अन्य सामान बरामद किया गया। वही 9 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। सहरसा SP लिपि सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए जानकारी मीडिया से साझा की। SP लिपि सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी किसी अपराध की योजना बना रहे हैं। प्राप्त सूचना का सत्यापन उपरांत सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार के नेतृत्व में पुलिस बलों की टीम ने सहरसा बस्ती स्थित समीप के लॉज में छापेमारी किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को देख अपराधी भागने लगे, जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया, जिसमें मोहम्मद नसीब, मोहम्मद अबरार, मोहम्मद जैद, मोहम्मद शफकत, मोहम्मद हकीम, मोहम्मद जफर, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सैफ अली, मोहम्मद समीम, जो सभी बस्ती निवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वही छापेमारी के दौरान 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 3 फरसा, 4 तलवार, 1 खुकरी, 2 बाइक, 5 मोबाइल जब्त किया गया है। सभी अपराधियों से आवश्यक पूछताछ उपरांत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इत्यादि SI ब्रजेश कुमार चौहान, ASI धन बिहारी मिश्रा, मालेश्वर यादव, विनोद मणि दीपाकर पेथर टीम इत्यादि मौजूद थे। सहरसा पुलिस मुख्यालय से दिलीप यादव की रिपोर्ट। सहरसा बस्ती में सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे अपराधकर्मी कुछ अपराध करने की योजना बना रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए DSP कमिश्नर निशिकांत भारती और टाउन थाना अध्यक्ष के द्वारा रेड की गई। वहाँ से उनके रेड के बाद अपराधी भागने लगे। भागने के क्रम में भी 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं मोहम्मद नसीम, मोहम्मद जैद, मोहम्मद अबरार, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद शफकत अली, मोहम्मद सैफ अली, मोहम्मद समीम, मोहम्मद हकीम, मोहम्मद जफर, 9 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है, 5 कारतूस, 2 देसी कट्टा, 5 मोबाइल, 4 तलवार, 3 फरसा और 1 खुखरी, साथ में 5 मोबाइल, 2 मैगजीन भी बरामद की गई है और साथ में 2 मोटरसाइकिल, एक जिसमें एक हीरो होंडा और एक FZ5 है, उसको बरामद किया गया है। ये इन्होंने कन्फेस किया है कि ये अपराधी घटनाओं को अंजाम देते थे, छिनतई वगैरह और भी जो क्राइम है, इनको इसके लिए एंगेज किया जाता था। इतनी भारी मात्रा में हमने अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है और काफ़ी एम्युनिशन और आर्म्स भी मिला है। तो मुझे लगता है कि जो छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं लूट छिनतई की, उसमें डेफिनेटली इनके अंदर होने से रोकथाम लगेगी। आपराधिक इतिहास भी रहा है, आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, उसको खंगाला जा रहा है।